उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस अध्यक्ष को जो कांग्रेसी सरकार में प्राप्त हुआ है, वही बात वे अपने भाषणों में कह रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये बयान अत्यंत निंदनीय है। ये कांग्रेस के पतन की नई शुरुआत है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें, हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है और कांग्रेस इस प्रकार के अस्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम जब अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना ले। तो क्या लगता है, बिल्कुल चुनाव के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो क्या उसके पीछे मोटिव लगता है? देखिए, अपनी हार की खिसियाहट को अब भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करके कर रहे हैं। यद्यपि कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार के कृत्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव के समय इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को उठा करके कांग्रेस भारत की आस्था के साथ साथ बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का उचित प्रयास कर रही है।